प्लेजेंडर पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि 1 - 2xz + z² - -½ = n = 0 to ∞ pnx z to the power n होता है, where pnx is the Legendre polynomial. Now using this, we can easily prove pn1 is equal to 1. pn1 is equal to 1 का use हम लोगों ने Rodrick formula में किया था. Rodrick formula में हम लोगों ने इसको use कर लिया था, directly apply कर लिया था और कहा था कि इसको हम लोग last आगे के derivation में use करेंगे. तो चूंकि हम लोग का Legendre पॉलिनोमियल का जेनेटिव फंक्शन हो चुका है, तो इस जेनेटिव फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग pn1 = 1 को प्रूफ करेंगे. सो वी कैन राइट 1 - 2xz + z² - ½ = n = 0 to ∞ pnx z^n. अब एक एक करके n के वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे. n = 0, 1, 2, 3. तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म p0x z^0 = 1 + z p1x z^2 p2x z^3 p3x. सिमिलरली इफ वी टेक nth टर्म दैट इज z^n pnx. p0x का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है. This can be written as 1 + z p1x z^2 p2x z^3 p3x + ये और इनफाइनाइट सीरीज है pnx + ……. यहाँ हमारा टर्म है 1 - 2xz + z^2 - ½. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है pn1 का वैल्यू. सो x की जगह पे हमारा वैल्यू होना चाहिए 1. सो वी पुटिंग x = 1 ऑन एबव इक्वेशन. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 - 2z + z^2 - ½ = p1 1 z^2 p2 1 z^3 p3 1 + z^n pn1. अब ये हो गया हमारा 1 - 2z + z^2. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - z² - 1/2 = 1 + z + p1 1 + z^2 p2 1 + z^3 p3 1. इस तरह से n टर्म हो जाएगा p1n ……. काफी इजी है. अब ये इस टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 1 - z^2 / 2 और ……(-1/2). तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 - z² और पावर है −1/2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - z^2 डायरेक्टली, 1 - z^2. तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 - z^2 / ½. बाकी सारा टर्म RHS में जो भी टर्म है वो सेम रहेगा. अब ये 1 - z^2 / ½ है, ये एक बायनोमियल थ्योरम है. ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम. बायनोमियल थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ अगर देख लें बायनोमियल थ्योरम से होता है (1 + x^n = 1 + nx + n ✕ n − 1 / 2x²). इस तरह से ये टर्म हमारा होता है. तो यहाँ पे
वन की जगह पे वन है, एक्स के जगह पे माइनस ऑफ जेड है और एन की जगह पे माइनस वन है। तो अगर वैल्यू पुट किया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा वन प्लस पहला टर्म अगर हम बोले वन, ये हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आर एच एस को एक्सपेंड नहीं, आर एच एस तो हमारे पास यही वन। नेक्स्ट टर्म है एन इंटू एक्स, एन का वैल्यू है माइनस वन और माइनस जेड, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड। उसी तरह से एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वन। कैसे? माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन दैट इज माइनस टू, फैक्टोरियल टू का वैल्यू होता है टू, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये सीरीज हमारा एक्चुअली इस तरह से बढ़ेगा और उस तरह से एन एफ पावर पे हमारा हो जाएगा जेड टू की पावर है, इस तरह से ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। और आर एच एस में हमारा है टर्म वन प्लस जेड प्लस पी वन वन प्लस जेड स्क्वायर पी टू वन प्लस इस तरह से जेड टू की पावर एन पी वन वन। अब इस दोनों इक्वेशन को देखें और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, पी वन वन इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे जेड टू दी पावर एन का कोफिशियंट और यहाँ पे जेड टू दी पावर एन के कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जेड टू दी पावर एन के साथ टर्म मल्टीप्लाई है पी वन वन, यहाँ जेड टू दी पावर वन के साथ मल्टीप्लाई है वन। सो कंपेयरिंग द कोफिशियंट of z to the power n we will have p1 pn1 is equal to 1। तो यही हमारा प्रूफ करना था pn1 is equal to 1। तो जेनेटिक फंक्शन और बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग इजीली इसको डिराइव कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलीनोमियल, दो अलग-अलग लेजेंडर पॉलीनोमियल के लिए उसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जहाँ पे दो अगर हो लेजेंडर पॉलीनोमियल तो अगर उसमें दोनों का इंडेक्स का वैल्यू अगर इक्वल हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, और इंडेक्स का वैल्यू अगर अलग अलग हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग अभी ट्रैक करने वाले हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलीनोमियल। सो देयर आर टू ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलीनोमियल। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू प्लस वन पी एम एक्स पी एन एक्स, यहाँ इंडेक्स अलग अलग है, पी एम एक लेजेंडर पॉलीनोमियल ऑफ एम काइंड का है और ये पी एन जो है लेजेंडर पॉलीनोमियल ऑफ एन काइंड का है। डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर एन इज द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एम। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज माइनस वन टू प्लस वन पी एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेयर एन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एम, देन इट्स वैल्यू इज टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। इसको हम लोग यूज करेंगे और एक एक करके दोनों को हम लोग प्रूफ करेंगे। सो एक एक करके हम लोग इस डेरिवेशन को काफी इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू प्लस वन पी एम एक्स प्लस पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एम, मतलब दोनों जो इंडेक्स है दोनों जो लेजेंडर पॉलीनोमियल है दोनों इक्वल ना हो। सो लेट फर्स्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पी एन एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट पी एम एक्स बी द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे y है यहाँ पे हम लोग इसको z ले लेते हैं। सो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, फॉर्म मेरा सेम है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिर्फ हम लोग सब जो वेरिएबल है वो अलग अलग लिए। तो डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा m इंटू एम प्लस वन, चूंकि हम लोग यहाँ पे m दिया है ये हो जाएगा m इंटू एम प्लस वन इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन नंबर टू। अब दोनों को हम लोग कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, जो कि इस इक्वेशन में जेड का कोई टर्म नहीं है और इस इक्वेशन में वाई का टर्म नहीं है, तो इसको इक्वेशन वन को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन टू को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों का जो इवन टर्म्स होगा मतलब एक टाइप का टर्म्स वो एक साथ लिखेंगे हम लोग,
इस दोनों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए। ये टर्म जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये टर्म वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया वाई टाइम्स डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये दोनों टर्म में 2x कॉमन है तो माइनस 2x कॉमन। ये जेड से मल्टीप्लाई होकर हो गया जेड डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म वाई से मल्टीप्लाई हो गया वाई डी जेड बाई टी एक्स। नाउ ये हो गया दोनों में वाई कॉमन, तो वाई इसको जेड से मल्टीप्लाई किया, इसको वाई से दोनों में वाई जेड कॉमन, तो ये हो गया एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन। इसमें हम एडिशनल टर्म, इस इक्वेशन में एक एडिशनल टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि ये एक पूरे दो टर्म को मिला के हम एक डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सके। तो हम लोग एडिशनल टर्म ऐड किए डी जेड बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि प्लस नहीं है तो एक्स्ट्रा हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ऊपर के इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग ना हो। सो डी वाई बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स इंटू वाई डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या करें कि इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन की जगह पे हम डायरेक्टली इस पहला इसको मान लें और इसको मान लें दूसरा, इस दोनों के जगह पे, इस दोनों के जगह पे हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स। कैसे? जब इस टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यू इंटू वी के मेथड से डिफ्रेंशिएट होगा। तो सबसे पहले अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको कॉन्स्टेंट रखें, इसका डिफ्रेंशिएशन लें, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो टर्म हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इस टर्म को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो इसका आएगा 2x माइनस 2x जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड बाई डी एक्स। ये टर्म यहाँ पे आया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी इस टर्म को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन और एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, ये दोनों टर्म को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये हो गया एन माइनस एम। ये ए प्लस बी दैट इज एन माइनस एम एन प्लस एन माइनस एम, तो दोनों में एन माइनस एम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस माइनस एम और यहाँ बच जाएगा हमारा एन प्लस एम प्लस वन इंटू वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में इसलिए चेंज किया कि इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, इसको हम इंटीग्रेट किए, वैल्यू पुट कर दिए, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करना है एक्स के जगह पे, अपर लिमिट में एक्स, लोअर लिमिट में माइनस वन। तो जब हम लोग वन पुट करेंगे तो ये वन माइनस वन का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में माइनस वन भी पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा पूरी जीरो हो गया। नेक्स्ट यहाँ एन माइनस एम एन प्लस वन रह गया, माइनस वन टू प्लस वन वाई जेड इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई किसका सोल्यूशन है? वाई वाई जो है पी एन एक्स के लिए है और जेड किसके लिए है? पी एम एक्स के लिए। दोनों का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस टर्म को हम लोग राइट साइड में ले जाके जीरो कर देते हैं, तो हमारा इजिली सॉल्व हो गया माइनस वन टू प्लस एन पी एन एक्स प्लस पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एन इज नॉट इक्वल टू एन। नेक्स्ट हम वो सॉल्व करेंगे जब एन का वैल्यू एम के लिए हो, इक्वल हो, तो लेजेंडर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होता है टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन होता है, वो कैसे होता है? तो सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एम। पहले तो प्रॉपर्टी देख लें, प्रॉपर्टी है माइनस वन टू प्लस एन पी एन एक्स डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलीनोमियल, लेजेंडर पॉलीनोमियल इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो दैट प्रॉपर्टी सेज दैट वन माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू समेशन जेड टू द पावर एन पी एन एक्स डी एक्स। अब इस चूंकि हमको स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, पी एन एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड।
इसको स्क्वायर करेंगे पावर टू से, अगर मल्टीप्लाई करेंगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन। नाउ ये समेशन को हम लोग समझेंगे, ये समेशन का स्क्वायर यहाँ से कैसे आया। तो सबसे पहले अगर हम समेशन को लिखे जेड टू दी पावर एन पी एन एक्स, और दूसरा एक समेशन लें जेड टू दी पावर एन पी एन एम एक्स डी एक्स, ऐसा हो सकता है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो केस अराइज होगा, व्हेन एन इज इक्वल टू एम और जब एन इज नॉट इक्वल टू एम। जब जब एन इज इक्वल टू एम होगा तो ये जेड टू दी पावर एन होगा, ये भी जेड टू दी पावर एन होगा, और ये पी एन एक्स होगा, ये भी पी एन एक्स होगा। इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा जेड टू दी पावर एन पी एन एक्स और जेड टू दी पावर एन पी एन एक्स, सेम बेस होने के चलते जेड टू दी पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू जेड टू दी पावर टू एन, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा जेड एन एक्स का स्क्वायर टी एक्स। नाउ सेकेंड केस अराइजेस व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन, इस केस में क्या हो जाएगा जेड टू दी पावर एन जेड टू दी पावर एम पी एन एक्स पी एन एक्स, ये दो टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे जेड टू दी पावर एम प्लस एन पी एन एक्स टी एक्स। लेकिन चूंकि ये समेशन है तो समेशन में फर्स्ट टर्म में हो सकता है कि पहले हम लोग पी एन एक्स पी एम एक्स का वैल्यू पर फाइव हो, और सीरीज जब आगे बढ़ेगा तो फिर आएगा हमारा पी एम एक्स और पी एन एक्स का टर्म, जहां पर भी जेड टू दी पावर एन और जेड टू दी पावर एन पहले आएगा, जेड टू दी पावर एन बाद में आएगा। तो ये रिपीटेशन ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो रहा है, तो रिपीटेशन होने के चलते और दोनों का वैल्यू सेम हो जाने के चलते दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा समेशन जेड टू दी पावर एन प्लस एन पी एन एम एक्स पी एन एक्स। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, तो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, वैल्यू सब जगह पुट कर दिए। नाउ हम लोगों ने पहले केस में देख लिया है व्हेन एम इज नॉट इक्वल टू एन, क्योंकि हम लोगों ने ये किसके लिए निकाला है, एम इज नॉट इक्वल टू एन के लिए वैल्यू फाइंड किया है। तो जब m का वैल्यू n के बराबर नहीं होता है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू दैट इज पी एम एक्स प्लस पी एन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये टोटली यहाँ पे हो गया जीरो, टर्म मेरा लेफ्ट हो गया फर्स्ट टर्म और इधर का लेफ्ट। अब इसका हम लोग जानते हैं कि वन, इसको अगर नीचे लेके आए तो ये हो गया, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये हो गया लॉग ऑफ दिस, और x के साथ अगर दो टर्म मल्टीप्लाई होता है उसको फिर हम 1 बाई डिवाइड करते हैं, तो x के साथ है हमारे यहाँ माइनस टू जेड, माइनस टू जेड यहाँ डिवाइड करते हैं, और यहाँ हम लिमिट पुट करेंगे माइनस वन से प्लस वन। तो लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आ गया माइनस जेड बाई टू जेड लॉग वन माइनस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन पुट किए, एंड देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो ये हो गया वन माइनस जेड का स्क्वायर और ये हो गया वन प्लस जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि लॉग के प्रॉपर्टी से माइनस हाफ को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वन प्लस जेड ऊपर चला जाएगा, वन माइनस जेड नीचे आ जाएगा, और टू और हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो गया लॉग वन बाई जेड log 1 प्लस जेड माइनस log 1 माइनस जेड। log 1 प्लस एक्स का जो है एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ पे जो माइनस है log 1 माइनस जेड को एक्सपेंड कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 2n प्लस 1 टर्म ले रहे हैं, 2n प्लस 1 टर्म ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 बाई जेड बाहर है, एक टर्म हमको कैंसिल करना है आगे जाके, इसलिए हम लोग एन प्लस 1 टर्म लिए। तो इस दोनों को सॉल्व करें, अगर माइनस के साइन को अगर यहां से हम हटाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी इवन टर्म्स है वो कैंसल आउट हो, इवन टर्म्स रह जा रहे हैं और टर्म्स कैंसल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई टू यहाँ पे है, तो जितने भी इवन टर्म्स है वो कैंसल आउट हो जा रहे हैं और टर्म्स यहाँ पे रह जा रहे हैं, जो भी यहाँ माइनस जेड स्क्वायर बाई टू है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, सो टू बाई जेड, ये 1 बाई जेड पहले से था, बाकी सबको ऐड किए तो ऑड टर्म्स का 2 आ गया, तो 2 बाई जेड, जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 प्लस दिस। नाउ ये 1 बाई जेड से सबको कॉमन लेके कैंसिल किए तो ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर बाई 3 जेड टू द पावर 4 बाई 5 प्लस 5
और यहां से एक z का टर्म बाहर निकल गया, z टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। अब इधर हमारा जो टर्म है z टू द पावर 2n, इधर भी z टू द पावर 2n है, तो हम लोग इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 2n। z टू द पावर 2n का कोफिशिएंट हमारा है यहां पे -1 से +1 pnx स्क्वायर dx, तो ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। और यहां z टू द पावर 2n का कोफिशिएंट है 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलीनोमियल हो गया। लास्ट हमारा टॉपिक्स में रह गया है इस लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिकरेंस प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।